धमकियां देते मैं उन्हें एक ही सवाल में बता देना चाहता हूं।
हम शासक बन के रहेंगे। और सुन लो, सब पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे लिए है, और देख लो है चोर की तरह पास ले जाती है, और वक्त आने से बता देंगे तुझे है आत्मा अभी से इतना बचपन क्या हमारे लिए है। संविधान के होने के बाद भी न्याय नहीं मिला। कश्मीर जो जनता है वो भी दलित है, देख रहे हो तुम्हारे जजों के साथ भी क्या किया जाता है। भारतीय अनुसूचित जाति एम्प्लॉयज वेलफेयर यूज एसोसिएशन के नेतृत्व लोकल एम्प्लॉयज लोग समर्पित अपने हैदराबाद से दिल्ली अध्यक्ष अरुण जी, कुलदीप जी, सम्मानित साथी एस पी सिंह जी, ब्रह्मपाल, सुशील मंजी जी हो गए, जितने भी सब लोग, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा तो आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन सामाजिक लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर इस देश में कोई न्याय की बात करता है तो उसे लोग नक्सली और आतंकवादी कहते हैं। इस देश में कोई व्यक्ति जैसे हमने वो बना के भेज रखे थे 131 एमपी आरएनसी सीटों पे एससी एसटी के, वादा करोगे ऐसे नक्काल लोगों को तुम लोग संसद में नहीं भेजोगे। हाथ और सुनो, जो लोग आज जानते हैं उनके कौम के लोग मर रहे हैं, उनकी कौम की बहनों की इज्जत नीलाम हो रही है, और वो विधायक यूपी गवर्नमेंट में जो लोग हैं चुप बैठे हुए से नालायकों का भी मुंह काला करने आने वाले समय में याद रखें। सत्तानवे 61 जरा कान खोल के सुन लीजिए,
कर लो भाइयों। हाँ देखो फोन कितने सब लोगों के पास है, फोन 57 100 3 8 4 6 4। विजय रतन सिंह जी का अपना नंबर है, सब लोग अपने फोन में डायल कर ले, 9761 3 8 4 6 4। ठीक है, एक दूसरा नंबर और लिख लीजिए, पहले यही दोबारा बता रहा, सुन लो 57 63 84 64 ये मेरे भाई का है, और 95 82 81 6007 ये रवि कुमार गौतम दोनों भाइयों के नंबर है, 95 82 81 6007। ये अगर आपको कुछ कहे तो ये आवाज जो है वो ये चंद्रशेखर आजाद की आवाज है। अच्छा सुन लीजिए, एक नंबर और नोट कर लीजिए उस भाई का जिसने अपने अपने रोजगार की कुर्बानी दी है, 7037 7037 84 5 444 कमल सिंह वालिया। जैसे जेल से आएगा हम लोगों के साथ जुड़ा रहेगा, भीम आर्मी का पेज भी है, भीम आर्मी के व्हाट्सएप ग्रुप भी है, 70 37 84 54 44 37 84 54 44 ये कमल भाई का नंबर है। और सुन लो, आज अपने घर पर जाकर एक चीज और भी देना, सुन लो हाथ उठा के बता दिखोगे नहीं दिखोगे, हम इस देश के शासक हैं, मूल निवासी देश के शासक हैं, और हम मर जाएंगे लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ नहीं जाएंगे। संविधान को पढ़ते हमारे केंद्र में क्योंकि हमारे बाप ने लिखा है संविधान, संविधान को धर्म ग्रंथ बना लो अगर हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों से लड़ना चाहते हो। एक एक बच्चे को बीमार भी पैदा करती है, एक एक बच्चे को न्याय आता हो, एक एक बच्चे को संविधान जो है उसकी जबान पे लटाना उसके दिमाग में हो। और जब ये पुलिस के लोग यार सुन लो कान खोल के, तुम जब देखते हो दलित समाज पर लाठी चला देते हो, ये मत भूलो ये समाज लड़ाई नहीं ले रहा है। मैंने लिखा था अपनी पोस्ट में कि मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरी खून सोई है, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं मेरी खून जाग चुकी है, क्योंकि जाने का समय लगेगा, चंद्रशेखर वहीं पहुंच जाएगा, हिसाब बना के रखना।